पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। हुकूमत में आए तो लाहौर से सियालकोट ट्रेन शुरू करेंगे। सियालकोट में जलसे से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत में आए तो लाहौर से सियालकोट ट्रेन शुरू करेंगे। उनका कहना था कि ख्वाजा आसिफ से 34 साल का ताल्लुक नहीं, ये 55 साल का ताल्लुक है। साबिक सदर व पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ सियासी कुव्वतें ही हल कर सकती हैं। इनका कहना था कि हुब को कराची जैसा होना चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा कि हुब के दोस्तों को सलाम पेश करता हूं। हुब को कराची जैसा होना चाहिए। हुब कराची से 1 घंटे के फासले पर है। यहाँ हस्पताल भी होने चाहिए। हुब में पानी की सहूलत, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना व मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि हर चीज़ मईशत से ही ठीक होगी। अवाम को माजी की तरह हमसे काम लेना है तो सादा अक्सरियत देना होगी। इसहाक डार ने गुफ्तगू में कहा कि हर चीज़ मईशत से ही ठीक होगी। अवाम को माजी की तरह हमसे काम लेना है तो सादा अक्सरियत देना होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज मैं इस जगह मौजूद हूं जहां शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आखिरी तकरीर की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लियाकत बाग में जलसे से खिताब में कहा कि हमारा मुल्क खतरे में है, मुल्क को पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है।